नमस्कार, आप सभी का ज्ञानवीड में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप किसी गर्म वस्तु से जल जाते हैं, मान लीजिए गर्म पानी हो सकता है, गर्म दूध, गर्म तेल, अगर आप उनसे जल जाते हैं तो उस टाइम आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, गर्म पानी, दूध, गर्म तेल से जलने पर इसके 10 आसान घरेलू उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब आपको बताते हैं किसी गर्म चीज से जलने पर इसके घरेलू उपचार। पहला है, तेल, गर्म पानी, दूध या फिर गर्म चाय से जलने पर सबसे पहले आप उस पर ठंडा पानी डालें ताकि जो त्वचा है उस पर फफोले ना हो। दूसरा है, अब आप एक कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर जली हुई त्वचा पर रखें, इससे जलन और दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा है, जल जाने पर प्राथमिक उपचार में आप घरेलू नुस्खे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्दी वाला पानी, आलू, एलोवेरा, नमक के पानी का घोल और कुछ ऐसे उपाय जो कि जलने पर रामबाण का काम करते हैं। चौथा है, जली हुई स्किन पर एलोवेरा काफ़ी उपयोगी होता है, गुच्छे को जले हुए भाग पर लगाएं, ये घाव ठीक करने के साथ त्वचा की जलन भी कम करता है। पांचवा है, आलू का छिलका या फिर आलू को पीसकर जले हुए घाव पर लगाने से भी आपको जल्दी राहत मिलेगी। जलने के तुरंत बाद इस घरेलू नुस्खे को अपनाने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। छठा है, जलने पर तुरंत हल्दी वाला पानी लगाएं, इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। सातवां है, केले को जले हुए स्थान पर लगाएं, इससे जलन दूर होगी और साथ ही फफोले पड़ने जैसी समस्या भी आपको नहीं होगी। आठवां है, अक्सर आपने घर पर देखा होगा, गर्म तेल, चाय, आग या फिर किसी पटाखे से हाथ पैर जलने पर कुछ लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, जैसे कोलगेट वगैरह ले लीजिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जल जाने पर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी उपयोगी होता है। नवा है, अगर आपका हाथ पैर जल गया है तो उस पर आप नमक वाला पानी डालें और एक गाढ़ा घोल बनाकर जले हुए स्थान पर लगाएं। इस होम रेमेडी से ठंडक मिलेगी और त्वचा पर छाले भी नहीं होंगे। हो सकता है नमक वगैरह डालने से आपको काफ़ी जलन भी हो, लेकिन ये बाद में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दसवां और आखिरी उपाय है, जलने के दाग से बचने के लिए जले हुए अंग पर तुलसी के पत्तों का रस लगाना काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आप किसी गर्म चीज़ से जल जाते हैं तो ऐसे में आप कैसे उपचार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा जो चैनल है ज्ञानवीड यूट्यूब चैनल, इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।